नौवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीती? सही जवाब है लद्दाख। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर विदेशी तोहफों को बेचने के आरोप के कारण चुनाव आयोग ने 5 साल का बैन लगाया? सही जवाब है पाकिस्तान। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच टाइगर ट्रफ अभ्यास 2022 कहां आयोजित किया गया? सही जवाब है विशाखापट्टनम। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया CABI ने भारत के किस क्रिकेटर को नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? सही जवाब है युवराज सिंह। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर। हाल ही में रिलायंस जियो ने कहा से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की है? सही जवाब है नाथद्वारा राजस्थान। अक्टूबर 2022 को किस राज्य में नववर्ष बेस्तु वर्ष मनाया गया है? सही जवाब है गुजरात। हाल ही में किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई है? सही जवाब है न्यूजीलैंड। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है डॉक्टर बीमल जालान। हाल ही में किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है IIT मद्रास। देश का तीसरा हाथी रिजर्व कौन सा है जिसको हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? सही जवाब है तराई हाथी रिजर्व। आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या है? सही जवाब है हर दिन हर घर आयुर्वेद। हाल ही में कौन देश के सबसे उदार परोपकारी बने हैं? सही जवाब है शिवनादर। हाल ही में किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता बंगाली फिल्म निर्देशक का निधन हो गया है? सही जवाब है पिनाक चौधरी।
FIH प्रीमियर लीग हॉकी टीम के कप्तान कौन बने हैं? सही जवाब है हरमनप्रीत सिंह।